आज का जो मुद्दा है वो राज्य पर आई एक भीषण आपदा का मुद्दा है। एक भीषण आपदा राज्य पर आई हुई है जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक आपदा कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिजास्टर भी कह सकते हैं, कि संविधान को ताक पर रखकर जो लोक सेवक अधिकारी होते हैं वो एक नियमावली के तहत उनका आचरण होना चाहिए, यानी कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका है वो एक रूल बुक के हिसाब से, रेड बुक के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लोक सेवक अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं, और 6 महीने का जो सेवा विस्तार हमारे मुख्य सचिव जी को मिला हुआ है, उनसे आपके माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा कि इन अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ये आपदा प्रदेश पर बरकरार रहेगी, जारी रहेगी, इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी और अधिकारी भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर इसी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे जिस तरह से इन दो अधिकारियों ने उड़ाई है। मैं पहला पत्र आपके सामने जो रख रही हूं वो है अल्मोड़ा के जिला पंचायत राज अधिकारी का पत्र, जो कि पत्र लिख रहे हैं समस्त सहायक विकास अधिकारी जनपद अल्मोड़ा, समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जनपद अल्मोड़ा को। इसमें ये जिक्र कर रहे हैं जो कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम है मेरा माटी मेरा देश, ये एक सरकारी कार्यक्रम था और जिला पंचायती राज अधिकारी इस कार्यक्रम को पहले तो अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं सभी को। वहां तक तो बात ठीक है कि आप कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हो, सफल हो ये कार्यक्रम, लेकिन साथ में जो अंडरलाइन पंक्तियां हैं वो कहती हैं कि उक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि कल का मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास खंड और जिला पंचायत स्तर पर जो नियत कार्यक्रम है उसकी सूचना जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाए। क्यों अधिकारी भाजपा के जिलाध्यक्ष को कार्यक्रम की जानकारी या रिपोर्ट देंगे? ये कहां से शुरू हो गया, ये कब से शुरू हो गया कि संगठन का व्यक्ति होता है जिलाध्यक्ष? कांग्रेस का भी संगठन है, आम आदमी पार्टी का भी संगठन है, वैसे ही भाजपा का अपना संगठन है। भाजपा के जिलाध्यक्ष को ये सारे अधिकारी मेरा माटी मेरा देश जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी रिपोर्ट क्यों सबमिट करेंगे? इसका जवाब जिला पंचायती राज अधिकारी अल्मोड़ा को देना होगा। और मेरी तो अपील है मुख्य सचिव जी से कि वो तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करें, इनकी सेवाएं समाप्त करें, इनको सस्पेंड करें, जिस तरह से इन्होंने जी हजूरी को एक अलग ही स्तर तक पहुंचा दिया है। चरण चुंबक होना अच्छी बात है लेकिन इतना ज्यादा साष्टांग कोई अधिकारी हो जाए किसी संगठन के प्रति, ये पहले कभी नहीं देखने को मिला। दूसरा पत्र और भी अचंभित करने वाला है। दूसरा पत्र तो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के द्वारा जारी किया गया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ना सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए सतपाल महाराज मंत्री महोदय का भ्रमण कार्यक्रम जारी कर रहे हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट के अपने पद का मखौल उड़ाते हुए, और इस कार्यक्रम में जो भ्रमण कार्यक्रम है, अब आप देखिए कि सतपाल महाराज जो हैं वो जनसेवक हैं, यानी कि वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, वो जनता के मंत्री हैं, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। ऐसे में उनके कार्यक्रम में कांग्रेस जन आए या दूसरे दलों के लोग आए, आम जनता आए, इससे जॉइंट मजिस्ट्रेट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। लेकिन कैटेगोरिकली जॉइंट मजिस्ट्रेट जो प्रतिलिपि भेज रहे हैं, आप देखिए हतप्रभ करने वाला मामला है, और मुझे तो लगता है जॉइंट मजिस्ट्रेट बहुत जल्दी मजिस्ट्रेट भी बन जाएंगे अपने इस कृत्य की वजह से, कि उन्होंने समस्त मंडल अध्यक्ष ब्लॉक रुड़की को बुला रखा है। वो महेंद्र भट्ट की ड्यूटी क्यों निभा रहे हैं? ये महेंद्र भट्ट का काम है अपने ब्लॉक, अपने मंडल अध्यक्षों को बुलाना, अपने जिला अध्यक्षों को बुलाना। आपको जिसको बुलाना है संगठन स्तर का आदमी बुलाएगा, एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। आप सोचिए ये जो पूरी लिस्ट आपको दिख रही है ये भाजपा के छुटभैया नेताओं की है और ये सरकारी गैप है,
ये आप देखिए, श्री देशराज कर्णवाल प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा को प्रतिलिपि, शोभा राम प्रजापति जिलाध्यक्ष भाजपा, अफजाल अली जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा, सत्येंद्र प्रधान जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, अनुज सैनी जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा, धीरज पाल जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा भाजपा, प्रतिभा चौहान जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, गौरव कौशिक जिलाध्यक्ष भाजयुमो, प्रवीण सिंधु महामंत्री भाजपा, अरविंद गौतम महामंत्री भाजपा, समस्त मंडल अध्यक्ष। तो यानी कि सतपाल महाराज के कार्यक्रम में केवल और केवल भाजपा का आदमी आमंत्रित है, वहां मनाही है आम जनता के लिए या दूसरे किसी भी दल के लोगों के पहुंचने के लिए। तो एक जॉइंट मजिस्ट्रेट के स्तर पर इतनी बड़ी चूक की गई है और इन सभी को व्यक्तिगत आमंत्रण भेजा गया है सतपाल महाराज के कार्यक्रम के लिए। क्या संज्ञान लेंगे मुख्य सचिव? इतनी बड़ी जो आपदा, ब्यूरोक्रेटिक आपदा, इसको मैं कहूंगी, इसको डिजास्टर कहूंगी, और इसको एक नए तरह की बीमारी जो उत्तराखंड प्रदेश को लग चुकी है कि यहाँ के अधिकारियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट या लोक सेवक का आचरण क्या होना चाहिए, उसकी परिधि क्या है, उसकी रीच क्या है, उसकी पहुंच क्या है। ये पूरा पूरा मामला एक तरह से संविधान को ताक पर रखने का है, जिसकी इजाजत किसी को भी, किसी भी अधिकारी को नहीं होनी चाहिए। ये सीधे सीधे गुलामी दर्शाता है, ये सीधे सीधे अराजकता दर्शाता है कि आप किस तरह से एक सरकारी कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। गोया ये कोई मंत्री का कार्यक्रम या सरकारी कार्यक्रम ना होकर सिर्फ और सिर्फ भाजपा का कार्यक्रम हो। दोनों ही केसेस में, ये जो दो पत्र मैंने आपको दिखाए, एक अल्मोड़ा का है, एक रुड़की का है, इन दोनों ही केसेस में अधिकारियों ने नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जो इनकी रेड बुक कहती है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और मुख्य सचिव जी को तो तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेना ही होगा। कि मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।